माननीय बसंत शर्मा जी एवं सम्माननीय परमानंद शर्मा जी, हमारे 17 सितंबर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस है और इसे भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में कवर्धा के उड़िया कला में जिला पंचायत के सभापति और महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री भावना बोहरा के नेतृत्व में दिव्यांगजनों का सम्मान और निःशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के महिला और पुरुषों की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि देश की प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम में 72 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के हिसाब से व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, छड़ी, ट्राइसिकल वितरित की गई और उनका मंच से सम्मान भी किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जो आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ही चलेगा। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे दिव्यांग जो भाई बहन हैं उनको 72 सामग्रियों का, जो उनकी उपयोग में आएंगी, ट्राइसिकल हो या श्रवण मशीन हो या व्हील चेयर हो, इस तरीके की 72 मशीनों का यहाँ पे वितरण किया गया है उनका सम्मान। मुझे लगता है कि दिव्यांग जो भाई बहन है ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और एक प्रयास है इनको समाज की मुख्य कड़ी से जोड़ने का। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दया के नहीं सहयोग के पात्र हैं, तो एक सहयोग करने की कोशिश की गई है जिससे इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े और ये भी आम लोगों तक की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। मैं दिव्यांग सम्मान समारोह में शामिल हो रहा हूँ। अच्छा, जो आप लोगों को सम्मान हुआ है यहाँ पे जी, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की गई? ये हमें ट्राई साइकिल दिया है कुछ साथी को और ये व्हील चेयर भी है और एक ध्वनि यंत्र है और आपका वो बैसाखी है। ये सब कैसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है? ये कार्यक्रम जो सम्मान है बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि जिस प्रकार की भावना दीदी जो है अपने भाव से कर रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे वो आगे चलकर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो आगे जरूर कुछ हो सकता है। उनका भावना जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है।